टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। उस दिन हमने थोड़ा सा निशान मार्क लगाया था अखाड़े का, और मिट्टी भी आ चुकी है अखाड़े की, ताकि ये जैसे इस तरह पत्थर बने हुए ना, ये बहुत हार्ड है, ये अखाड़े लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी को अगर उठा के पटकेंगे तो उसकी हड्डियां टूट जाएगी। तो अभी मिट्टी चेंज करवा रहे हैं, और किस तरह की मिट्टी हमने मंगवाई है अभी दिखाते हैं। सबसे पहले अखाड़े को साफ करवाएंगे जेसीबी से, ओके। तो चलो आ जाओ, चलो भाई, चालू करो, गिरा मत देना यार मेरे को कहीं, चलो ओके। और पीछे जा, पीछे जा, अरे और पीछे जा, वो चले जा। ओके, मेरे तो भाई पूरे जूतों में मिट्टी चली गई। ओके, अब इस एरिया को अपन क्लीन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे, किस तरह हम इसको क्लीन करवाते हैं आप लोग भी देखें, ओके। और अखाड़ा अगर आपको भी बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, दिखाते हैं पूरा प्रोसेस, ठीक है। आने दे भाई, ओके गाइस। तो अभी हम इसको थोड़ा गहरा करवाएंगे, ताकि ये वाली जो मिट्टी है, ये बिल्कुल ये वाली मिट्टी हम इसके अंदर डालेंगे। तो अभी और बहुत सारे ट्रिप आने वाले हैं, ताकि हम इसको इतना गहरा करवाने वाले हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं, देखो भाई काम चल रहा है जब तक मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने लंच किया नहीं है, काफ़ी देर हो गई है और अब शाम पड़ गई है, कम से कम लंच तो कर ही लेता हूँ। ओके, पानी भी खत्म हो गया, चलो अब लंच करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको पूरा काम। ओके, ओके ओके गाइस। तो लंच का टाइम तो निकल गया, लेकिन अब शाम हो गई, टाइम मिला नहीं था। और यार वाकई में पता भी नहीं चलता, जब अपन पूरी शिद्दत से अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं ना, तब पता ही नहीं चलता कि यार खाने का टाइम क्या है, पीने का टाइम क्या है। तो अब हम खाना खा रहे हैं, लंच को हम इवनिंग के टाइम पे कर रहे हैं। चलो लंच करते हैं और फिर आपको काम दिखाते हैं क्या हो रहा है। सारा हो गया वहां तक, ओके गाइस। तो ये देखो पूरा कुएं टाइप बना दिया, पूल टाइप, लेकिन ये पूल नहीं है भाई, ये अखाड़ा ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो। अब एक काम करना, इसको क्लीन कर देना यार, उधर से ही लेके आ, उधर से ही लेके आ, इसको दबा के ले जा सारा। ओके गाइस, अब ये थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ये देखो मिट्टी निकाल दी है यहाँ की, बिकॉज ये चिकनी मिट्टी है, ये मिट्टी हम यूज में ले नहीं सकते हैं, ये देखो ये पूरी चिकनी मिट्टी है, ठीक है, चिपकती है ऐसे बारिश के अंदर, ठीक है। और लेकिन ये कभी भी नहीं चिपकती, अगर ऐसे चिपक भी जाती ना तो ये इस तरह फूट जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से फैला रहे हैं, ये देखो गाइस, ये देखो भाई, जस्ट हाईवे के पास ही है अपना। आप लोग अगर इधर से कभी निकलोगे ना, तो आपको वैसे ही दिख जाएगा पवन साहु का फार्म हाउस कहाँ है। Okay guys, तो भाई काम चलते चलते अंधेरा हो चुका है, ये देखो। ओके, तो फिर भी अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ी प्लानिंग चेंज हुई है। प्लानिंग चेंज ये हुई है कि पहले जो हमने बनवाया था तो थोड़ा पतला लग रहा था, और थोड़ा लंबाई भी थोड़ी कम थी,
ताकि हमने सोचा कि हम 5-6 बंदे करें, एक साथ कुश्ती करें, कुछ भी करें, तो भी अच्छा ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। पूरी सेफ्टी भी होती है बड़े ग्राउंड की, कहीं से इधर उधर गिर ना जाए, कहीं गिरे तो भी अखाड़े के अंदर ही गिरे। तो थोड़ा हमने इसको और चौड़ा करवाया और थोड़ा और लंबा करवाया, ठीक है, ताकि हम इसमें अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ की। तो देखो इतना चौड़ा करवाया, अभी अंधेरे में आपको पूरा क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन कल के व्लॉग में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ इसमें, तो बने रहें। और क्या बताऊँ, मेहनत ऐसे जारी रहेगी आपके लिए, मतलब फिटनेस के लिए कुछ अच्छे अच्छे ऐसे कॉन्टेंट्स लाता रहूँगा। और ये जो मेरा पूरा खेत है, पूरा फार्म हाउस है, इसके अंदर मोस्टली जो होंगे सारे इक्विपमेंट पूरे के अंदर सारे फिटनेस रिलेटेड, स्ट्रेंथ रिलेटेड इसी से बनने वाले हैं। और मेरा जो टारगेट है वो पूरे फार्म हाउस को इसी तरह बनाने का है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो उसी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं उसी एनर्जी के साथ डेली काम करता रहता हूँ। देन लव यू ऑल, आपके भाई को ऐसे ही सपोर्ट करें, एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।